हेलो लर्नर्स, वेलकम वंस अगेन टू कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। कॉमर्स वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफी अच्छे से चल रही होगी। तो सर, आज की क्लास में क्या करेंगे? आज की क्लास में यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी का रिलेशनशिप को भी फॉर्म करेंगे और जानेंगे कि होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को करेंगे। आज फिलहाल हम लोग यूटिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और यूटिलिटी में क्या दो कॉन्सेप्ट है और क्या रिलेशनशिप जो एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग करते चलेंगे। ठीक है, चलिए चलिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए एक तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, दूसरा आप हमारे टेलीग्राम चैनल @commerce_wala_bhaiya_nwb को भी ज्वाइन कर लीजिए, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन के एंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास का शुरुआत हम लोग करते हैं, जहां पे हम लोग बेसिकली आज पढ़ाई कहां से स्टार्ट करेंगे। तो सर, पढ़ाई हम लोग इस तरीके से स्टार्ट करेंगे कि बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि यूटिलिटी का एक कॉन्सेप्ट को देखेंगे, जहां पे यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, यूटिलिटी हम लोग पढ़ चुके थे, द वांट सैटिस्फाइंग कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी इज नोन एज यूटिलिटी। और हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कि यूटिलिटी इज इक्वल टू सैटिस्फैक्शन, यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। ठीक है, तो इन सारी चीजों को याद रखेंगे। और यूटिलिटी में दो इंपॉर्टेंट थ्योरीज था, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। एक था आपका मार्जिनल यूटिलिटी, रुको यार थोड़ा चेंज कर ले दो, एक था आपका मार्जिनल यूटिलिटी जो कि मार्शल ने दिया था, एम फॉर मार्जिनल, एम फॉर मार्शल, और एक था आपका इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस जिसको हिक्स एंड एनल ने दिया था। ठीक है, तो ये दो चीज, छोटी छोटी चीजों को देखते हुए चलेंगे और ध्यान में भी रखेंगे, है ना। दो कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, एक था आपका मार्जिनल यूटिलिटी और एक था आपका टोटल यूटिलिटी। ठीक है, चलो पहले, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कहां से, मार्जिनल यूटिलिटी से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे पीछे हो गया है, पहले मार्जिनल यूटिलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो सर, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है बच्चे? मार्जिनल यूटिलिटी एक एडिशनल यूटिलिटी के फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि जो कि डिराइव होता है किसी भी चीज का, कमोडिटी का एडिशनल यूजेस करने से जो हमें कंजम्पशन मिलता है, जो हमें बेनिफिट मिलता है, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। इन शॉर्ट, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, मार्जिनल मतलब वन एडिशनल, अगर मार्जिनल मतलब देखे तो क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू एडिशनल मेड टू दैट ऑफ टोटल यूटिलिटी ऑफ द एडिशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, वन मोर यूनिट ऑफ दैट कमोडिटी। मतलब कि टोटल यूटिलिटी इज नोन एज फुल सैटिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब बोलते हैं फुल सैटिटी। फुल सैटिटी मतलब जहां पे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो। फुल सैटिटी का मतलब सेटिस्फैक्शन, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, उसके आगे मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग मार्जिनल सैटिटी भी बोलते हैं। मार्जिनल सैटिटी का मतलब, मार्जिनल मतलब वन एडिशनल सैटिटी मतलब सेटिस्फैक्शन, एक यूनिट्स को, एक्स्ट्रा यूनिट्स को यूज करके हम लोग कितना सेटिस्फाई हो रहे हैं, उसको मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। ठीक है, तो मार्जिनल यूटिलिटी का, थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे, लिखते चलेंगे बच्चे। देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का ध्यान से देखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला डालते हैं आपका MUN इज इक्वल टू TUN TUN माइनस TUN माइनस वन। ठीक है, ये है आपका मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, इससे काफी सारे क्वेश्चंस बनेंगे। चलो एग्जांपल के तौर पे हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक ग्राफ को, ग्राफ नहीं बोले तो एक हम लोग समझते हैं छोटे से कॉन्सेप्ट का, छोटू सा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे। जैसे यहां पर ले लेते हैं एक यूनिट किसी भी कॉमोडिटी का, एक्स कॉमोडिटी। ठीक है, छोड़ो यहां लिख दो गुड एक्स। ठीक है, और यहां पे ले लो उसका मार्जिनल यूटिलिटी। गुड एक्स मान के चलो, पहले वन यूज कर रहे थे, अब दो यूज करेंगे, तीन यूज करेंगे, चार यूज करेंगे, पांच यूज करेंगे, छह यूज करेंगे, सात यूज करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, कंजम्पशन या तो बढ़ाएंगे, यूनिट ऑफ गुड एक्स, यूनिट ऑफ गुड एक्स
पहले एक यूज कर रहे थे फिर दो यूज कर रहे थे, तो मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या हो रहा है, जैसे जैसे यूनिट्स का, जैसे जैसे यूनिट्स का कंजम्पशन आपको दिख रहा होगा वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी हमारा क्या होगा, किसी भी चीज का घटते जाएगा, किसी भी चीज का एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन हम लोग बढ़ाएंगे उसका मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाएगा। जैसे पहले 30 था, एक 40 था एक यूज कर रहे थे, तो फिर 30 हुआ दो यूज कर रहे, तो 3 यूज कर रहे तो 20 हुआ, यूटिलिटी मेरा घटते गया, फिर 10 आया, फिर 0 आया, फिर उसके बाद फिर नेगेटिव जाने लगा। ठीक है, तो एक चीज यहां से आपको समझ में आएगा, दिख रहा है आपको, दिख रहा है, चलो एक चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि एक समय के बाद ये क्या होने लगा सर, नेगेटिव होने लगा, क्या होने लगा, नेगेटिव होने लगा, मतलब कि यहां से लेकर के, ध्यान से देखना, यहां से लेकर के आपका ये डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीजिंग, लेकिन बट स्टिल पॉजिटिव, अभी भी ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, यहां पे ये सैचुरेशन में है, मतलब सैचुरेशन मतलब बोल सकते हैं ऐसा पॉइंट जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाएगा, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सैचुरेशन पॉइंट। उसके बाद ध्यान देना कि जैसे जैसे आप इसका कंजम्पशन यूनिट यूनिट ऑफ एक्स का बढ़ाओगे, आप कहां पहुंच जाओगे सर, नेगेटिव में पहुंच जाएंगे, डिक्रीजिंग एंड नेगेटिव। ठीक है, तो यहां से आप एक चीज समझ पाए कि मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी जो होगा वो आपका पॉजिटिव भी होगा, देखो उसमें काफी परेशानी हो रहा था इसमें, इसी में आते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी जो था आपका वो आपका पॉजिटिव भी था, फिर जीरो भी हुआ, फिर नेगेटिव भी हो जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या मेरे बच्चे, एक चीज ध्यान से देखना, हम लोग कह सकते हैं, एक ग्राफ देख लेते हैं छोटू सा, इस ग्राफ में आप ये समझोगे कि कैसे यहां ले लो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, ये हो गया वाई एक्सिस, यहां से ले लो एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका -10, ये हो गया आपका -20। देखो ध्यान से कि आपका स्टार्ट कहां से हुआ था मेरे बच्चे, आपका स्टार्ट हुआ था 40 से, तो 40 में जब एक यूनिट यूज कर रहे थे, यहां पे 1 ले लो, यहां 2 ले लो, यहां 3 ले लो, यहां 4 ले लो, यहां 5 ले लो, यहां 6 ले लो, 7 और 8, चलो बढ़िया। ठीक है, ये हो जाएगा x यूनिट, क्या हो जाएगा, x यूनिट। ध्यान देना यहां पे कि जब आप एक कमोडिटी यूज करते थे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 40 था सर, जब एक यूज करते थे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना था, 40 था, तो जब दो यूज करते मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया सर, 30 हो गया, जब तीन यूज करते मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया सर, 20 हो गया, और जब चार यूज करते थे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 10 हो गया, और जब पांच यूज करते थे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और जब छह यूज करते थे तो मार्जिनल यूटिलिटी कितना हो गया, -10 हो गया, एक सेकेंड, -10 हो गया, और जब सात यूज करे तो कितना हो गया, -20 हो गया। तो देखो आपका पिक्चर, हालांकि ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बनेगा, ठीक है, ये थोड़ा स्ट्रेट नहीं बना, बट थोड़ा सा समझने का कोशिश करेंगे इसमें। ठीक है, मतलब कि ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पे, यहां पे ये पॉजिटिव भी रहा, यहां पे ये जीरो भी हुआ जिसको सैटिटी भी बोलते हैं, और यहां पे इसको सैचुरेशन पॉइंट भी बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, और फिर यहां पे आपका नेगेटिव भी हो गया, क्या हो गया, नेगेटिव भी हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को बच्चे बहुत ध्यान से देखना पड़ता है और समझना पड़ता है, अदरवाइज फिर यहां पे ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं, ये तो हो गया एमयू का कॉन्सेप्ट, अब हम लोग आते हैं थोड़ा टीयू पे। ठीक है, टीयू देखेंगे, टोटल यूटिलिटी। ठीक है मेरे बच्चे, टीयू देखेंगे, टोटल यूटिलिटी क्या होता है, द सम ऑफ, इसका एक फॉर्मूला लिख देते पहले, टीयू इज इक्वल टू समेशन ऑफ एमयू, समेशन ऑफ मतलब सम ऑफ,
ठीक है, समेशन ऑफ सम ऑफ, ठीक है, तो सम ऑफ यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द डिफरेंट यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम बाय अ कंज्यूमर, इन अदर वर्ड टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सम, चलो ऑफ की जगह कर दो, सम टोटल ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया आपका फॉर्मूला। अब ध्यान से देखोगे इसमें हम लोग कैसे डराइव कर सकते हैं, तो देखो हम लोग अभी यहां पे लिए थे यूनिट ऑफ गुड एक्स, एक ही मिलाना चाहिए था हमको, यूनिट ऑफ गुड एक्स, चलो कोई नहीं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और मार्जिनल यूटिलिटी बच्चे हमारा कितना कितना था, 40, 30, 20, 10, 0, -10, -20, ठीक है। और TU निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर TU निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ MU, मतलब इस MU के ऊपर कोई है क्या 40 के ऊपर, नहीं, तो 40 + 0 = 40, फिर 40 + 30 कितना हो जाएगा 70, फिर 70 + 20 = 90, फिर 90 + 10 = 100, फिर 100 + 0 = 100, फिर 100 - 10 कितना हो जाएगा 90, फिर 90 - 20 हो जाएगा 70। तो एक चीज आप ध्यान दे रहे होगे बच्चे, यहां पे ये देखने को पता चल रहा है कि आपका, देखो ध्यान से समझो कि टोटल यूटिलिटी, ध्यान से देखना कि मार्जिनल यूटिलिटी आपका पहुंच गया है कहां पे, नेगेटिव में आ गया है, लेकिन क्या टोटल यूटिलिटी अभी भी आपका नेगेटिव है, नहीं, टोटल यूटिलिटी अभी भी आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, टोटल यूटिलिटी आपका अभी भी पॉजिटिव है। और अगर आप बताओ कि टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम कहां पे है, तो सर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हमारा यहां पे है, मतलब 4 और 5th यूनिट ऑफ गुड एक्स का जब सोल्ड हो रहा होगा या परचेज हो रहा होगा, तो यहां पे जो सेटिस्फेक्शन होगा वो, सॉरी, यहां पे जो सेटिस्फेक्शन हो रहा होगा वो टोटल यूटिलिटी यहां पे मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखेंगे बच्चे कि इसका पिक्चर कैसे बनाया जाए, तो टोटल यूटिलिटी को हम लोग अलग से नहीं पढ़ेंगे पिक्चर में, चलो एक हम लोग कॉन्सेप्ट करते हैं जहां पे रिलेशनशिप पढ़ेंगे, हालांकि टीयू का पिक्चर आप एक बार ध्यान देंगे कि कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है, इस तरह का पिक्चर होगा टीयू, जो ये होता है मैक्सिमम आपका सैचुरेशन पॉइंट, तो अभी हम लोग इसको बनाएंगे। टीयू नेगेटिव नहीं होता है, टीयू पॉजिटिव होता है, हाँ डिक्रीज भी होता है, इंक्रीज भी होता है, मैक्सिमम में भी पहुंचता है लेकिन नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। चलो एक छोटू सा कॉन्सेप्ट हम लोग का बचा हुआ है इस पूरे पेपर में, जो कि था आपका क्या, रिलेशनशिप बिटवीन, जो कि एग्जाम के लहजे से बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, क्या है, बहुत ज्यादा जरूरी है, रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, अगर आप छोड़ के आते हो तो 3 मार्क्स छोड़ के आना, डिपेंड्स ऑन यू। चलो ये जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से एकदम फोकस करो, क्लियर हो जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। तो सर क्लियर कर ले क्या, कर लो, मैं तो यही चाहता हूं कि आपका ज्यादा से ज्यादा पॉइंट क्लियर हो जाए, ठीक है। चलो, अरे यार, ठीक है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स, ठीक है, यहां पे हो जाएगा आपका जीरो, यहां पे आप ले लो 10, थोड़ा पतला करते हैं, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, बस 100 भी था क्या, अभी जो हम लोग टीयू का एक ये बनाए थे वहां पे 100 लिया था, हाँ चलो 100 था, तो चलो 100 तक ले लेते हैं, ठीक है, एक ले लेते हैं 100। देखो उसी स्केड्यूल से बनाएंगे, अब तो अलग अलग स्केड्यूल बनाने का बहुत ज्यादा लंबा समय खींच जाएगा, तो समय को ज्यादा लंबा ना खींचते हुए, और यहां पे ले लेंगे यूनिट ऑफ एक्स, 1, 2, 3, 4, 5,
सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। चलो सबसे पहले किसका पिक्चर बनाया जाए, सबसे पहले बनाइए टीयू का। टीयू देखो, अब देखो जो अलग अलग बनाए थे एक साथ बनाते हैं। टीयू कहां गया हमारा सर? टीयू यहां पे यूनिट वन में डायरेक्ट देखो 40 से स्टार्ट हो रहा है। वन में कितना था 40, टू में कितना था 30, सॉरी वन में 40 70, वन में कितना था हमारा 40, तो यहां पे पिक्चर ले लो ऐसे, वन में 40, टू में कितना था सर? टू में था 70, थ्री में कितना था मेरे बच्चे? सर थ्री में था, इसीलिए ना एक जगह पर रहना चाहिए, थ्री में था 90 100 100, चलो 90 फिर 100 100, थ्री में था 90 फिर 100, एक दो तीन चार पांच में फिर 100, ठीक है। उसके बाद फिर ये घट रहा था, कैसे कैसे घटाया ध्यान देंगे, फिर 90 और 70, 90 और 70, उसके बाद 6 में हो गया आपका 90, फिर 7 में हो गया आपका 70, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का पिक्चर आपका, एक सेकेंड यार, कुछ इस तरह का पिक्चर आपका बनते हुए दिखेगा, ठीक है। ये आपका किस चीज का पिक्चर हुआ? ये हुआ सर टीयू का, ठीक है। ध्यान देंगे मेरे बच्चे, ये हो गया आपका किसका पिक्चर? टीयू का। देखो पिक्चर ये कहां डॉट था वो सर्कल कर दो, ध्यान में रहेगा आपके, ठीक है। ये था आपका टीयू का। अब बनाया जाए किसका? सर एमयू का बनाइए, बहुत बढ़िया। एमयू कहां था? एमयू तो यहीं पे बगल में था, 40 30 20 10, 40 30 20 10, देखो ये 40 से ही था, 40 देन सेकेंड में 30 देन थर्ड में 20 देन 10 फिर 5 में गया 1, अच्छा ये नीचे में भी गया था ना, ठीक है। उसके बाद 6 में गया था -10 और 7 में गया था -20। अब ध्यान दो इधर, अब ये लाइन को कुछ इस तरीके से मिला दिया जाएगा, ठीक है। देखो यहां पे जहां बन रहा है डॉट, देखो स्केल तो ये था नहीं तो इतना परफेक्शन तो हो नहीं सकता है। ये था आपका एमयू और ये था आपका टीयू। चलो अब रिलेशन से बिल्ड करते हैं कैसे। देखो एक पॉइंट यहां पे, देखो ये पॉइंट जो है यहां पे, ये जो है ये पॉइंट आपका मैक्सिमम है, तो जब भी यहां पे ये सेचुरेशन में था तो ये यहां पे कितना में था सर? जीरो में, ठीक है। मतलब यहां पे मैक्सिमम टीयू और ये आपका जो पॉइंट कहलाएगा ये होगा पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। क्या होगा? पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, ठीक है। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। चलो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं और फटाफट हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो एक चीज देखो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग, ध्यान से देखना, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजिंग टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था टीयू तब तक इंक्रीज किया, और जैसे टीयू मैक्सिमम में पहुंचा मार्जिनल यूटिलिटी जीरो में पहुंच गया। नंबर वन एमयू इंक्रीजिंग, एमयू पॉजिटिव, टीयू इंक्रीजिंग, MU is zero or saturation point, TU is at highest point, ठीक है।
थर्ड रिलेशन mu इज नेगेटिव tu इज फॉलिंग और डिक्रीजिंग, मतलब फॉल करने लगा। देखे जब mu यहां से नेगेटिव हो गया तो tu आपका क्या होने लगा सर, फॉल करने लगा। ठीक है, तो ये था आपका कॉन्सेप्ट, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, और विश्वास करो पढ़ लो काम देगा, बाकी अपने हिसाब से देख लो क्या कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो फिर आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे करते हैं वाइंड अप, क्योंकि इतना लंबा खींचना बहुत था और इसमें कुछ था नहीं मेन। हमको देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं कर रहा हूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर नहीं पढ़े तो 3 नंबर गया। ठीक है, और देखो एक चीज कि मार्जिनल यूटिलिटी को भी एक अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ बताया है, टोटल यूटिलिटी को भी एक अच्छे के कॉन्सेप्ट के साथ बताया है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक भी कीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।